ट्रिपल मास्क, N95 मास्क और PPE किट जो होती है वो सबकी सुविधा हमने मुहैया करा के रखी है। 1200 बिस्तरों और 228 वेंटिलेटर बेड की सुविधाओं के साथ हर तरह के कोविड मरीजों को हर संभव सहायता ये अस्पताल उपलब्ध करा रहा है। जब मरीज आएगा तो उनको पहले OPD में स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर उनका टेस्टिंग होगा, उनका एक्सरे, सोनोग्राफी, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हो जाएगा और जो सस्पेक्टेड केसेस है उनको हम भर्ती कर सकते हैं और जो सस्पेक्टेड केस नहीं है उनको हम वहीं से दवाई देके घर भेज सकते हैं। अगर कोई मरीज सीरियस कंडीशन में या क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो उसके लिए हमने OPD के पास ही एक ट्रायज एरिया बना के रखा है जिसमें कि वेंटिलेटर और मल्टीपारा मोनिटर और इन्फ्यूजन पम्प वगैरह सब सुविधा हमने तैयार की है। OPD से ICU तक, संदिग्ध मरीजों से लेकर गंभीर मरीजों तक हर स्तर पर यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं लोगों को कोविड से लड़ने को लेकर हौसला दे रही हैं। कोविड पॉजिटिव मरीज अगर बच्चा है तो यहाँ पेडियाट्रिक वार्ड भी उपलब्ध है। अगर कोई बुजुर्ग है या किसी को गुर्दे की समस्या है तो डायलिसिस की सुविधा भी इसी कोविड अस्पताल में मौजूद है। पेशेंट की कंडीशन, जैसे कि वो स्टेबल पेशेंट है या क्रिटिकल पेशेंट है उस हिसाब से, और दूसरी बात कि उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई हाई रिस्क बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी है तो उस तरह से उनको अलग प्रकार की सुविधा और ट्रीटमेंट सबकी जरूरत होती है उसके हिसाब से रखते हैं। समय के साथ जैसे ही नए नए मामले आ रहे हैं सारे मेडिकल स्टाफ जरूरत के मुताबिक ड्यूटी के बाद अस्पताल में ही रह रहे हैं ताकि वो हर समय अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। जो स्टाफ काम करेगा डॉक्टर से लेके हाउसकीपिंग तक वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, फिर 16 घंटे वो आराम करेगा। उनके आराम करने के लिए और रहने के लिए हमने हॉस्पिटल में ही जो अलग अलग ब्लॉक्स है उनमें आइसोलेशन करके हमने उनके रहने की और खाने की सुविधा मुहैया कराई है। कोविड की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में मेडिकल स्टाफ खुद के बचाव के लिए भी सारी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। इस अस्पताल के अलावा गुजरात सरकार राज्य के सभी शहरों में बने इसी तरह के कोविड अस्पताल के जरिए न सिर्फ कोविड-19 संक्रमण का परीक्षण कर रही है बल्कि गुजरात में